गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग के पीछे वाले वीडियो में घर्षण से लाभ और घर्षण के बारे में हानि बताए थे। आज हम लोग आप लोग को बहुत आवश्यक चीज के बारे में बता रहे हैं कि घर्षण को बढ़ाएंगे कैसे, घर्षण को कम कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग दैनिक जीवन में जब भी कोई काम करते हैं तो घर्षण आवश्यक है। तो उस घर्षण को कभी कम घर्षण की जरूरत होती है, कभी अधिक घर्षण की जरूरत होती है। तो कैसे करेंगे तो ये घर्षण बढ़ेगा और कैसे करेंगे तो घर्षण घटेगा। जब हमको कम घर्षण करना रहे और लाभ रहेगा तो कम करना फायदा है, लाभ है, तो कम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जहां घर्षण को बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने से घटा तो वहां बढ़ाने से तो कोई फायदा नहीं, बल्कि कम करने में फायदा। तो आइए हम किसी चीजों को जब उपयोग करेंगे और उपयोग करने के समय यदि घर्षण का उपयोग होगा और उस घर्षण से लाभ और हानि होगा तो सतह को चिकना रूखा बनाने से लाभ और हानि के आधार पर उसके घर्षण को कम और अधिक करेंगे। मैं इसी पर बात करूंगा यार, घर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है, घर्षण को कैसे घटाया जा सकता है, ठीक है। तो आइए मैं पहले घर्षण को बढ़ाने के बात करते हैं। घर्षण को बढ़ाने यानी हम घर्षण को कैसे बढ़ाएंगे इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, पहला बात यह है कि घर्षण को बढ़ाना है तो रूखा करना पड़ेगा, रूखा तब घर्षण बढ़ेगा। यानी इस बोर्ड का हम बात कर रहे हैं तो ये बोर्ड है जो विद्यार्थी चिकना है, तो यहां बहुत कम घर्षण है। और कम घर्षण करना चाहेंगे तो तेल या पानी लगा देंगे तो और घर्षण कम हो जाएगा और चिकना हो जाएगा। तो पहले हम बात कर रहे हैं घर्षण को बढ़ाने के लिए। तो जहां पर घर्षण बढ़ाने की बात आएगा तो सबसे पहले जो सतह है उस सतह को रूखा बनाना। अब उदाहरण में देता हूं कि चप्पल या जूता या टायर को खांचेदार, कैसा खांचेदार नुकीला बनाया जाता है। नुकीला बनाने से चप्पल आपको स्लिप नहीं करेगा, तो वहां पर खांचेदार बनाना आवश्यक है, लाभ है। कुछ हानि भी है, चप्पल घिस रहा है तो घिस रहा है, इसका एक अलग क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन आएगा कि घर्षण एक आवश्यक दोष है, यानी जरूरी भी है और हानि भी है। तो आवश्यक दोष नहीं हुआ, चप्पल को खांचेदार नहीं बनाएंगे तो स्लिप करेगा, गिरेंगे, पड़ेंगे, मरेंगे, हरेंगे, टूटेगा, फटेगा, तो ये आवश्यक हो गया। लेकिन दोष क्या है, चप्पल घिस रहा है, तो ये दोष हो गया। घर्षण है तब तो घिस रहा है, इसलिए घर्षण एक आवश्यक दोष भी है, इस पर भी मैं बात करूंगा। बात तो करिए दिए, खाली लिखाएंगे, इक्वेशन बना देंगे, घर्षण एक आवश्यक दोष है कैसे समझाएं, यही बात को लिख डाले। तो खांचेदार बनाया जाता है चप्पल को, जूता को खांचेदार बनाया जाता है, टायर को खांचेदार बनाया जाता है, दो बात हो गया है ना। तीसरा बात में हम बात करते हैं, आप देखते होंगे कि जब सड़क बनाई जाती है नए तब उस पर बालू छींटा जाता है, बालू छींटते हैं, बालू को छींटने से दरारें बहुत छोटी मोटी गहरें बन जाती है जिससे ब्रेक मारने पर टायर स्लिप नहीं करती है, इसलिए सड़कों पर बालू छींटा जाता है क्योंकि रूखा बन गया। तीसरी बात के बाद चौथी बात है, जब हम लोग कुश्ती खेलते हैं
तो एक द्वंद्वी एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को पकड़ता है, विपक्ष को, विपरीत को पकड़ता है। पकड़ने में आप देखते होंगे कि पसीने से बराबर हाथ स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है, तो आप तुरंत वहां मिट्टी लगाते हैं, आप अपने हाथ पर भी और दूसरे प्लेयर को शरीर पर भी, ताकि पकड़े और वो भी आपको शरीर पर लगाएगा, ऐसी बात नहीं। तो वहां पर रूखा बनाते हैं, हाथ और शरीर में मिट्टी लगाकर रूखा बनाया जाता है। चौथा बात हुआ, पांचवा बात में आइए हम लोग बात करते हैं, बहुत ऐसे जगह पर रूखा बनाते हैं, आप पेन लिखते होंगे तो पेन के पास देखते होंगे विद्यार्थी, यहाँ पर जो रबर रहता है, रबर में कुछ डिजाइन बनी रहती है ऊंचा नीचा, वो रूखा बनाने के लिए, ताकि आपको पकड़ने में सुविधा हो, रबर लगा रहता पकड़ने में सुविधा होता। या फिर विद्यार्थी जब बैट बॉल खेलते हैं तो आप देखते होंगे विद्यार्थी जो हैंडल होता है, जिसको आप पकड़ते हैं हैंडल बैट के, उसमें रबर लगा रहता और उस पर डिजाइनिंग बनी रहती है, ताकि वो स्लिप ना करे, तो वहां पर भी खांचेदार रूखा बनाया गया। तो ये सभी बातें जो हो रही है हम लोग को किस लिए, रूखा बनाने के लिए, और रूखा बनने से इन सब जगहों पर लाभ है। तो आपने समझा कि हम घर्षण को कैसे बढ़ाएं, तो रूखा करके, और भी बहुत ऐसे जगह पर रूखे शब्दों का इस्तेमाल होगा। आइए अब हम बहुत ऐसे जगह है जहां पर चिकना कर यानी घर्षण को कम करने से लाभ है, घर्षण को कम करने से लाभ है। तो अब हम घर्षण को कम कैसे कैसे करेंगे इस पर बात करते हैं। पहला बात, सतह को आवश्यकता से अधिक चिकना कर देना तो घर्षण कम जाएगा। सतह को आवश्यकता से अधिक चिकना करने पर घर्षण का मान कमता है। दूसरा, उस सतह पर तेल लगाकर घर्षण को कम किया जाता है। तीसरा, उस सतह पर पानी छिड़कर घर्षण को कम किया जाता है। ग्रीस मोबिल लगाकर घर्षण को कम किया जाता है। बॉल बैरिंग, बैरिंग के उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है। यदि कुएं से पानी निकालने के लिए आप देखते होंगे कि केवल एक डंडे लगा करके इसमें रस्सी खींचते हैं, है इसमें रस्सी खींचते तो बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक बॉल बैरिंग लगा देते हैं, बैरिंग लगा करके खींचते हैं तो खींचने में सुविधा होता है, वहां पर घर्षण कम किया, यानी बैरिंग लगाने से घर्षण कमता है, समझे, चिकना करने से घर्षण कमता है, तेल ग्रीस मोबिल लगा कर करके घर्षण कम किया जाता है, सतह को आवश्यकता शरीर चिकना बना कर करके घर्षण कम किया जाता है, और हवाई जहाज पानी में चलने वाले को नाव भी जैसा बनाया जाता है, ताकि उस पर तरल घर्षण बल कम लगे, हवाई जहाज को भी जैसा बनाया जाता है, समझ रहे, ताकि घर्षण कम लगे। तो यहां पर भी जैसा बनाने से घर्षण का कम किया जा सकता है, हवाई जहाज को, नाव को, ये सब भी आकृति बना कर करके घर्षण को कम किया जा सकता है, क्योंकि तरल पदार्थ में जो घर्षण उत्पन्न होती है उसे तरल घर्षण कहते हैं, और तरल पदार्थ यानी पानी को ही लेंगे और क्या लेंगे। तो इस सब चीजों को याद रहे, आपने ये सब बातों को लिखेंगे तब हम लोग चलेंगे कि घर्षण एक आवश्यक दोष कैसे। तो आइए, मैंने पहले जो बातों को समझा दिया उसको लिखते हैं। क्वेश्चन, घर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है, घर्षण को कैसे बढ़ाया जाता है, तो आंसर, घर्षण
को निम्न लिखित तरीके से घर्षण को बढ़ाया जाता है पहला सतह को रुखड़ा बना कर दूसरा सड़क के ऊपर बालू को डालकर रुखा हो जाएगा। तीसरा चप्पल और जूते को खांचे दार बनाकर चौथा पहिए पहिए के टायर को खांचेदार बनाकर गोटी नुमा। पांचवा कुश्ती के समय शरीर व हाथ में मिट्टी लगाकर। ये पांचों बात को याद रहे विद्यार्थी, सुन लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। पांच बात है, पहला सतह को रूखा बनाएंगे। रूखा कैसे बनाना है आपको समझना है। सड़क को ऊपर बालू डालेंगे, घर्षण बढ़ जाएगा। चप्पल जूता में खांचे डिजाइन तैयार करेंगे। पहिए के जो टायर होंगे उस टायर पर भी डिजाइन तैयार करेंगे, है ना। कुश्ती जब खेलते हैं या तो उस समय शरीर के ऊपर मिट्टी डालेंगे, लगाएंगे हाथों में। ये सभी कामों के द्वारा घर्षण का मान बढ़ाया जा सकता है। इसको 20 सेकंड तक पढ़े, हम आगे घर्षण कैसे कम किया जाएगा उसके बारे में बताएंगे। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी, घर्षण को कम कैसे किया जाता है। क्वेश्चन, घर्षण को कम कैसे किया जाता है। आंसर होगा विद्यार्थी, घर्षण को कम निम्न लिखित तरीके से किया जाता है जाता। पहला आपको बताए थे सतह को अधिक से अधिक चिकना बनाकर। दूसरा सतह पर तेल
मोबिल तेल, मोबिल ग्रीस, ग्रीस लगा कर। तीसरा विद्यार्थी बताए थे, याद है, बॉल बेरिंग लगाकर। चौथा बात बताए थे विद्यार्थी, सतह पर तेल है, तेल मोबिल ग्रीस लगाकर, बॉल बेरिंग लगाकर सतह को अधिक से अधिक चिकना बनाएंगे। और फिर अगला बात जो विद्यार्थी, नाव जहाज को भी आकृति बनाकर तरल घर्षण कम किया जा सकता है। पांचवा बताए थे विद्यार्थी जी, घर्षण को कम करने के लिए हम सब अधिक से अधिक यदि घर्षण को कम करना हो वो तो आवश्यकता के अनुसार ही होता है। जहां पर आपको जिस अनुसार में घर्षण को कम करने की जरूरत पड़ेगा उस प्रकार से करेंगे। आप लोग कैरम बोर्ड खेलते होंगे तो कैरम बोर्ड में घर्षण को कम करने के लिए विद्यार्थी उसके ऊपर पाउडर छिड़कते हैं। तो यहां लिखना है कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड बोर्ड में पाउडर डाल कर। यदि कैरम बोर्ड पर हम लोग पाउडर डालते हैं तो घर्षण कम जाता है, सतह चिकना हो जाता है, समझ रहा है। वहां पर जितने आप डालिएगा उतने रूखा कम उत्पन्न होगा, जिससे आपको जो गोटी होती है जिसको आप गोटी बोलते हो नुकसान नहीं होगा, है ने? तो ये घर्षण को कम करने का कुछ खास तरीका है। ठीक है विद्यार्थी, देखिए आगे क्वेश्चन है, घर्षण एक आवश्यक दोष है, कैसे? क्वेश्चन है घर्षण एक आवश्यक दोष है, कैसे? घर्षण एक आवश्यक दोष है, मैंने आपको बोले अभी कि घर्षण दोष भी है और आवश्यक भी है, पर कैसे? तो सुनिए, जब हम चलते हैं तो पैर की जो चप्पल है उसकी खांचे जो है गोटी है, अर्थात चप्पल ही बोलिए, वह चप्पल चलते चलते घर्षण के कारण घिस जाता है। तो चप्पल को घिसना दोष है, लेकिन यदि उसमें खांचा है तो स्लिप नहीं करेगा, ये आवश्यक है। ये क्या है? आवश्यक है कि यदि खांचा है तो गिरेंगे नहीं, फिसलेगा नहीं, हाथ पैर टूटेगा नहीं, तो इसलिए खांचा बनाना क्या है? आवश्यक है। लेकिन घर्षण से उसको खिया जाना ये दोष है। मैं इसी बातों को आंसर में लिखता हूं। आंसर, घर्षण गति
को विरोध करता है, इसलिए यह दोष है, जबकि बिना घर्षण के हम सतह पर चल नहीं सकते हैं, इसलिए घर्षण आवश्यक। अतः इसी शब्दों से, अतः इन दोनों बातों से घर्षण एक आवश्यक दोष है। विद्यार्थी आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन तरल पदार्थ पढ़ेंगे, तरल घर्षण पढ़ेंगे, है तो आप लोग पूरा बुक पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से टॉपिक नहीं बताया गया उसके बारे में बताइएगा, कल आप लोग को चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। जय हिंद।